तो क्या हाल चाल है सब्सक्राइबर्स? आज मैं इंडिया के सभी प्राइवेट स्कूल्स और मेरे स्कूल की असलियत सामने लाने वाला हूँ। इंडिया में करंटली 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं जो 23 करोड़ बच्चों को एजुकेशन दे रही है, और इन 1.5 मिलियन में से 1.4 मिलियन प्राइवेट स्कूल्स हैं। और आज के इस बिजनेस के दौर में स्कूल से बढ़िया बिजनेस क्या ही हो सकता है। एक स्कूल खोल दो जिसके बाहर इंग्लिश मीडियम लिखा हो, भले उस स्कूल में बच्चे से लेकर टीचर तक हिंदी में बात कर रहे होते हैं। और आज मैं यही 1.4 मिलियन प्राइवेट स्कूल्स की असलियत सामने रखने वाला हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 के पहले जो टीचर्स मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रहने के लेक्चर दिया करते थे, वही टीचर्स तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने को बोल रहे हैं। और इसी दौरान ये 1.4 मिलियन प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड हो रही है कि भैया हमारा फीस लाके दो। मगर किस बात की फीस दे तुम्हें, और कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं मांग रहे हैं ये लोग। 27,000 रुपए सिर्फ एडमिशन फीस मांग रहे हैं, और अभी साल के जो 6 महीने बचे हैं उसकी भी फीस इन्हें चाहिए। मतलब टोटल अमाउंट 42,000 रुपीज। नहीं, किस बात के इतने पैसे लिए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए एक पोर्टल में ऐड करने को अपनी क्लास टीचर को बोला, तो उन्होंने मुझे 24 दिन बाद पोर्टल में ऐड किया। लाइक सीरियसली, ये 24 दिन के क्लास जो मिस हुई उसके भी पैसे मैं दूं? इसमें मेरी गलती तो नहीं है? जब मैंने आपको ऐड करने को बोला तब आपको ऐड करना था ना, क्यों 24 दिन लगाए? और इनके ऑनलाइन क्लासेस को कितने लोग अटेंड करते हैं? सिर्फ 8 लोग। ये मैं अपनी क्लास का एसएस दिखा रहा हूं आप लोगों को। 50 की स्ट्रेंथ है जिसमें से सिर्फ 8 लोग अटेंड कर रहे हैं, और हफ्ते में जो 3 दिन तुम्हारी साइट काम नहीं करती है उसका क्या? अब इसमें भी हमारी गलती है क्यों? तुम लोग तो अपनी गलती कभी देखोगे नहीं। नहीं, ये बढ़िया है यार, बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें तो अपने बचे हुए 6 महीने की फीस पूरी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि सब फीस पे कर पाएंगे। नहीं समझे? चलो एक लॉजिक से समझाता हूँ। इन प्राइवेट स्कूल्स में मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए 27,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। मेरे पेरेंट्स ये अमाउंट पे कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास ब्लैक मनी है। हो तो मजाक की बात है, बट माई पेरेंट्स आर कैपेबल टू पे दिस अमाउंट। बट काफी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पेरेंट्स इस अमाउंट को पे करने के लिए लोन ले रहे हैं। क्या आपके हिसाब से ट्रबल में नहीं डाला जा रहा है आपको? मान लो आपने इस अमाउंट को पे नहीं किया तो आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। ये साफ तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब जिनकी मंथली इनकम इतनी नहीं है वो इतना अमाउंट कैसे पे करेगा? और एक मेरा स्कूल है जो हर साल एडमिशन फीस लेता है, और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है मुझे अपने स्कूल को पसंद ना करने का। अरे एक बार मैंने एडमिशन लिया और फीस पे कर दी, बट हर साल एडमिशन फीस क्यों? कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या आपको नहीं लगता प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा होता? कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्कूल अगर इंडिया में सही होते तो आपको इन प्राइवेट स्कूलों में पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं होती। फॉरेन कंट्रीज में प्रेसिडेंट से लेके सेलिब्रिटी तक और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई स्कूल में एजुकेशन अच्छी दी जा रही है तो किसी में खराब, वहाँ सब कुछ इक्वल है। इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल में से 92,275 स्कूल ही गवर्नमेंट के हैं, बाकी सब प्राइवेट हैं। ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये सारे एक्चुअल स्टैट्स हैं। और इन प्राइवेट स्कूल के मैक्सिमम ओनर या तो पॉलिटिशियंस हैं या तो वो बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने खुद 10th पास नहीं किया है। और इन 1.5 मिलियन स्कूल में से 4 लाख ऐसे स्कूल हैं जिनको मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और ये 4 लाख स्कूल अब तक 7.8 करोड़ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। मतलब वाह, क्या बात है। ये 4 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनके मार्कशीट्स मैटर ही नहीं करते। अगर तुम इन स्कूल से पास हुए हो और किसी कम्पेटिटिव एग्जाम को देने जाओगे और वहाँ पे अपना 12th पास का मार्कशीट दिखाओगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे स्कूल को तो मान्यता ही प्राप्त नहीं है और तुम्हारे इस मार्कशीट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। सरप्राइज, कैसा लगा अपने जिंदगी के 18 साल बर्बाद करके? हो सकता है कि तुम अभी इन्हीं स्कूलों में से किसी एक स्कूल में पढ़ रहे होगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारे स्कूल्स आज भी अपना बिजनेस गवर्नमेंट के खिलाफ जाके रन कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं क्योंकि सारे स्कूल पॉलिटिशियंस के जो हैं। और ये 1.4 मिलियन स्कूल्स अपने प्रॉपर एजुकेशन को लेके इतने चौड़े क्यों हो रहे हैं? चलो ये भी समझा देता हूँ। क्यों आज हर स्कूल में बच्चों को टीचर्स से परेशानी होती है?
क्यों उनके समझाने का तरीका तुम्हें समझ में नहीं आता, या फिर वो समझाने की जगह तुम्हें और कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसा मेरे स्कूल में क्लास 10th में हुआ था। मेरे क्लास की मैथ्स टीचर को लगता था कि सी इज टीचिंग अस वेरी वेल, बट पूरे क्लास में किसी को भी मैथ्स समझ में नहीं आता था। और पूरी क्लास ने प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन किया, बट मैम ने क्या एक्शन लिया, बस उनको बुला के चार बात सुना दिया और वही टीचर हमें साल भर मैथ्स पढ़ाती रही। क्या कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि तुम्हें कोई टीचर समझा रही है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, और इंडिया में हर 6 में से 1 टीचर्स प्रोफेशनली ट्रेन नहीं होते, और इंडिया में मैक्सिमम टीचर्स तुमको आंसर्स लिखाते वक्त गाइड का सहारा लेते हैं। आखिर क्यों तुमको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बनाया गया है? क्योंकि तुमको उस सब्जेक्ट की ज़्यादा नॉलेज है? बट आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि तुम खुद आंसर्स लिखाने के लिए गाइड का सहारा ले रहे हो। मैं अपने स्कूल की बात बताता हूँ, हर साल सेम कोर्स रहता है, कुछ अलग भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी टीचर्स गाइड का सहारा लेते हैं। और यही सब चीज़ तुम अपनी टीचर्स से कहोगे तो वो तुम्हें बोलेगी, मैं तो बोलती तो हूँ, बुक पढ़ के आंसर्स लिख लिया करो। बोल भी कौन रहा है जो खुद आंसर्स लिखाने के लिए गाइड का सहारा लेता है। क्यों आज बच्चों को स्कूल में इंग्लिश नहीं आती? हर प्राइवेट स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले 100 में से 70 बच्चों को इंग्लिश नहीं आती। लाइक सीरियसली, 11th में आ गए हो तुम? इसलिए 12th पास होके जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो 68% बच्चों को इंग्लिश में बात करना नहीं आता है। बट गलती तुम्हारी भी नहीं है, स्कूल वालों को तो आप ही गलत लगोगे। वो बोलेंगे कि तुम्हें तो सिखाया गया था, तुमने सीखा ही नहीं। अच्छा ये बताना कि तुम्हारे इंग्लिश मीडियम स्कूल की टीचर्स तुमसे इंग्लिश में बात करते हैं, या कभी देखा है उनको आपस में किसी से इंग्लिश में बात करते हुए? क्यों हो गई बोलती बंद? यही तो प्रॉपर एजुकेशन है। वैसे तो हर बात पे फाइन लगाते हो ना, थोड़ा दिन लेट फीस देंगे तो उसका भी फाइन लेते हो। अब ये बताओ, हमें इंग्लिश ना सिखाने का फाइन मैं वापस लूं? दे पाओगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने स्कूल से इंग्लिश सीखी है। 6 मंथ सिर्फ बाकी रह गए हैं इस साल के, और मैं अभी अपने सभी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 में हूँ। इन 6 महीनों में हम लोग कोर्स कम्प्लीट कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। और जब साल खत्म होने वाला रहेगा तो सभी टीचर्स चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो सीधा नोट्स देंगे, भले बच्चों को चैप्टर समझ में आए या ना आए। उनको पता है रट्टा तो मार ही लेंगे बच्चे, और बाद में बोलेंगे कि यही तो प्रॉपर एजुकेशन है। और तुम्हारे स्कूल का तो पता नहीं, बट मेरे स्कूल वाले डिसिप्लिन को लेके बहुत चौड़े होते हैं। डिसिप्लिन ये, डिसिप्लिन वो। तो मैं तुम लोगों को अपने स्कूल की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आई होप इन फ्यूचर मेरे स्कूल से कोई ना कोई मैम देख रही होगी। डियर मैम, क्लास 10th में सी और डी सेक्शन की लड़कियां सिगरेट पी रही थी क्लासरूम में, और सेल्फी भी ले रही थी, याद है ना? क्या ये डिसिप्लिन सिखाते हो? आखिर क्यों बच्चे स्कूल में मोबाइल्स नॉट अलाउड का साइन लगा होने के बावजूद मोबाइल लाते हैं? अब ये नहीं बोलना कि कोई नहीं लाता है। आखिर क्यों बच्चे आजकल टीचर से आर्ग्यूमेंट करते वक्त हाथ उठाने की बातें कर देते हैं? बाहर मिल वाला केस तो याद होगा ना, एक स्टूडेंट ने बोला था आपको, याद आया? स्कूल में टॉयलेट होने के बावजूद क्यों बच्चे कैंटीन के पीछे टॉयलेट करते हैं? कोई आंसर है? यही तो डिसिप्लिन है। और राज खोलू क्या? खैर बाद के लिए भी तो कुछ बचाना है। स्कूल टीचेस यू टू बी अ एम्प्लॉई, स्कूल डजंट टीच यू टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी। जिंदगी के 25 साल लगा दिए पढ़ाई में, लेकिन क्या करते हो? तो कुछ नहीं, बस छोटी मोटी जॉब करते हैं। उससे ज्यादा क्या बोलोगे? IITian हूँ, बैंक में नौकरी करता हूँ। लेकिन तुम ओनर नहीं हो उस कंपनी के, तुम सिर्फ एक एम्प्लॉई हो, और कंपनी के लिए एम्प्लॉई और मशीन में कोई अंतर नहीं होता। तुम बैंक में काम करते हो तो उस बैंक के ओनर नहीं हो, तुम्हारा कोई अपना बैंक नहीं है। वो आज भी तुम्हारा बॉस है जो तुम पे हुक्म चला सकता है, तुम्हें कभी भी कंपनी से बाहर कर सकता है। कुछ ऐसा करो कि तुम IITian वालों को अपनी कंपनी में जॉब दो। बनना ही है तो कुछ ऐसा बनो जो पहले कोई ना बना हो। कुछ ऐसा करो कि जो क्लासमेट्स तुम पे हंसते थे वही आने वाले समय में तुम्हारे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, हम हासिल कर लेंगे। हाथों की लकीरें वाली बातें सारी झूठी साबित कर देंगे। शुरुआत तो शून्य से की है, मगर अंत करोड़ों में कर देंगे। हाँ दूसरों के नाम पे कमाए हैं पैसे, अभिसाले घूर मत ऐसे, तेरा सारा घमंड बेटा टूट जाएगा, ना कुछ तू लेके आया था ना कुछ लेके जाएगा। ना बेटा कुछ नहीं लेके जाएगा,